ज्ञान प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5, इसमें से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न का आप हमें पढ़ना है। अगला प्रश्न नंबर 25 से 24 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है दो सह आभास संख्याएँ। कैसी संख्याएँ हैं? दो सह आभास संख्याएँ। सहभाष संख्याएँ किसे कहते हैं? दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे क्या कहते हैं? सहभाष संख्याएं कहते हैं, ठीक है। का मासा क्या होता है? मासा मतलब वही आपका गया है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही आपका मासा होता है। तो जो सहभाष संख्याएं अगर हम लेंगे कोई भी आपका हल है, हल में हम देख लेते हैं कौन सा संख्या आपका 25 नंबर। सहभाष संख्या की बात करेंगे, सहभाष संख्या की बात करेंगे। जैसे आपका 2 हो 3 हो जाए 5 हो जाए, ठीक आपका हो जाए, या 4 हो जाए 5 हो जाए, ठीक है, 8 हो जाए 3 हो जाए, ठीक। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो क्या है एक के अतिरिक्त अन्य किसी से ना कटे, या फिर क्या है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके? सहआभास संख्याएं होती हैं। तो 3 का गुणनखंड करोगे 1 गुणे क्या होगा 1 और 3 होगा इसका गुणनखंड, और 5 का गुणनखंड देखोगे 1 और क्या होता है 5 होता है, इसमें क्या कॉमन है आपका 1 कॉमन है, ठीक है। ऐसे 4 का गुणनखंड करोगे 1 और 4 होगा, और 5 गुणनखंड क्या होगा 1 और 5 होगा, इसमें भी एक ही गुणनखंड एक ही आएगा मास आपका कॉमन होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1, यही उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या कहलाता है आपका? मासा कहलाता है, ठीक है। तो यही क्या है आपका? मासा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दो सहभाज संख्याओं का जो मासा होता है वो क्या होता है आपका? 1 होता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन ये आपका पहला हो गया। 25 के बाद 26 नंबर देखो। 26 नंबर कह रहा है 3 घंटियां एक साथ। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। 3 घंटियां एक साथ, ठीक है, 1 7 बजेंगी, ठीक है, 1 7 प्रातः 7:30 पे। कितने बजे बजती हैं? 7:30 पे, ठीक, ध्यान रखना इसको, 7:30 पे बजी। यदि वे क्रमशः 4, 5 और 6 मिनट के बाद बजती हैं, कितने कितने 4, 6, 4, 5, 6 मिनट के बाद बजती हैं, तो फिर कितने बजे वो एक साथ बजेंगी? तो पहले क्या करना है, इन सभी का हमें क्या करना है होता है, एलसीएम निकाल लेना होता है, लासा निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6, भाग से लासा निकालते हैं, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे एक बार में 5 ऐसे रहेगा आपका 3 कट जाएगा, 3 से काट देंगे 1 5 और 1 बार में कट जाएगा, ठीक। अब 5 से काट देंगे आपका 1 1 1 कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया एलसीएम? एलसीएम आपका आ गया 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 हो गया आपका ऐसे। ये किसमें आया है? मिनट में आया। कितने में आया है? मिनट में। 60 मिनट आ गया। कितना मिनट आया? 60 मिनट। अब क्या करना है? 9:30 पे चल आपका 7:30 पे चला है, कितने 30 पे? 7:30 पे चला है, और 1 घंटा, 1 इतना मिनट, तो चूंकि जानते हैं 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 घंटा हो जाएगा, इसके बराबर हो गया, 1 घंटे के बराबर हो गया, ठीक। 1 घंटे के अगर बराबर हो गया तो 7 में 7:30 में 7 घंटा 7:30 हो रहा है, 1 घंटा और जोड़ देंगे तो बच जाएगा 8 बज जाएगा, तो एक जोड़ना है इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8:30। कितना बजे वो पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है, क्या है 8 बजे, कितना 8:30 पे, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, 7:30 पे चला है, 1 घंटे बाद क्या बच जाएगा 8:30 हो जाएगा। इस तरह इसको हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन सब का क्या निकालना है? लासा निकालना है 4, 6, 20 और 36 का। तो 4 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 20 और 36 लिख लेते हैं, ठीक। सबका क्या निकालना है? सबका निकालना है लासा, ठीक। तो भाग भी से निकाल लो, लासा निकालना है तो भाग भी से करते हैं, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 10 = 12, 2 = 2 = 20, और 15 × 2 = 30 हो जाएगा। 2 से फिर से काटेंगे, ये एक बार में कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 × 5 = 10, 5 बार में 15 ऐसे आ जाएगा। 3 से काटेंगे आपका 1 1, और ये 5 आपका ऐसे रहेगा, 3 × 5 = 15, 5 से काट देंगे फिर से एक बार में आपका 5 आपका एक बार में कट जाएगा, फिर से ये एक बार में कट जाएगा, सब एक बार में कट गए, ठीक। तो क्या हो गया एलसीएम? लासा आपका क्या आएगा? लासा यानी कि एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = क्या हो जाएगा आपका 60 ही आएगा। क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 और 36 है जी, 36 है, 30 नहीं है, 36 है, तो 36 को काटेंगे तो आपका फिर से देख लो क्या है आपका 36 है, ये अंक गलत हो गया था, ठीक।
सबसे पहले किससे काटेंगे, दो से काटेंगे, ठीक है। दो से काटेंगे, दो दूनी चार, दो तीन छः और दस बार में, ठीक। दो एक दो, दो अट्ठे सोलह हो जाएगा। दो से काटेंगे, दो एक दो, तीन कट जाएगा, दो पच्चीस दस, दो नवा अट्ठारह। अब फिर से तीन से काटेंगे, आपका एक एक और पाँच ऐसे रह जाएगा, तीन ऐसे बार। फिर से काटेंगे, एक एक और पाँच यही रहेगा आपका एक बार में। पाँच से काट देंगे, एक 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 और एक, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा एलसीएम। लाशा, लाशा क्या हो जाएगा, लाशा हो जाएगा दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े आपका पाँच हो जाता है, ठीक। तो दो दुनी चार, चार पच्चे बीस, बीस में नौ का गुणा करेंगे आपका नौ दुनी अट्ठारह, एक सौ अस्सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक सौ अस्सी आपका लाशा हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें देखना है आपका सत्ताईस के बाद अट्ठाईस नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या है आपका, अट्ठाईस नंबर। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, बारह छत्तीस और ठीक है तीस का क्या निकालना है, बारह है छत्तीस है और आपका तीस है, बारह चौबीस तीस है, छत्तीस नहीं है चौबीस है, ठीक। बारह चौबीस और तीस का निकालना है, लाशा निकालना है। फिर से गुणनखंड विधि से करेंगे, दो से काटेंगे, दो छक बारह हो जाएगा, दो एक नैन दो, दो दूनी चार, दो एक नैन दो, एक बचेगा दो पच्चे दस हो जाएगा। फिर से दो से काटेंगे, दो तीन छः हो जाएगा, दो छक बारह हो जाएगा, पंद्रह ऐसे आपका उतर जाएगा। दो से भी कट रहा है तो काट देते हैं, तीन आपका ऐसे उतर जाएगा, तीन बार में कट जाएगा, फिर आपका पंद्रह आ जाएगा। फिर से तीन से काटेंगे, एक बार में, एक बार में तीन पच्चे पंद्रह, पाँच से भाग दे दें तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। हमें क्या बताना है, लाशा बताना है। लाशा यानी कि दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पाँच, दो दूनी चार, दूनी आठ, आठ पच्चे चालीस, चालतियाँ बारह, एक सौ बीस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो क्या बचा है आपका, उनतीस नंबर प्रश्न बचा है आपका, बीस, एक सौ बीस, एक सौ बीस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक सौ बीस। अब हमारा प्रश्न कौन सा बचा है, प्रश्न बचा है आपका उनतीस नंबर। अब उनतीस नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। उनतीस नंबर ये क्वेश्चन मिटा देते हैं और उनतीस नंबर देखो आपका। चलिए देखिए उनतीस नंबर प्रश्न, उनतीस नंबर ये है आपका, इतना इतना का क्या बताना है, लाशा, बत्तीस चौंसठ एक सौ अट्ठाईस का लाशा बताना है। दो से काटेंगे, दो एक अन्य दो, एक बचेगा दो छक बारह, दो से काटेंगे, दो चौक आठ, दो दूनी दो तीन छः हो जाएगा, ठीक है। दो तीन छः, दो दूनी चार, दो छक बारह, दो चौक आठ। फिर से दो से काटेंगे, कितनी बार में, आठ बार में, दो अट्ठे सोलह, सोलह दूनी बत्तीस और बत्तीस दूना चौंसठ। दो से फिर से काटेंगे, दो चौक आठ हो जाएगा, दो अट्ठे सोलह हो जाएगा, दो एक अन्य दो, दो छक बारह। फिर से दो से काटेंगे, दूसरी बार में ये कटेगा, चार बार में, दो अट्ठे सोलह दो बार। दो से काटेंगे आपका, एक बार में, दो बार में और ये चार बार। दो से भाग देंगे आपका, एक एक और क्या हो जाएगा, दो। जैसे दो से भाग दे देंगे, एक एक एक, क्या बताना है, लाशा बताना है। लाशा के लिए क्या करेंगे, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, ठीक है, चार दो छः एक सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात बार लिखा है, सात बार लिखा हुआ, ठीक। अब क्या करना है, इसका गुणा कर देना, दो दूनी चार, चार में दो का गुणा करेंगे आठ, आठ दूनी सोलह हो जाएगा, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूना चौंसठ, चौंसठ दूना एक सौ अट्ठाईस। यही हो गया हमारा क्या, लाशा निकालना है। सभी प्रश्न में लाशा निकालना है, ये आपका कितना आ जाएगा लाशा, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्या है, पाँचों क्वेश्चन आप लोग को ऐसे सॉल्व हो गया है। अब बचा आपका, आपका आगे इसके आगे के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।